से प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप बहुत ही अच्छा लग रहा है इस इलाके में आ करके। मुझे इससे कुछ ही दिन पहले भी पिलखाना एरिया में आने का सौभाग्य मिला था और आज उसी तरह के एक और कार्यक्रम है जिसमें हमारे MLA साहब गौतम चौधरी जी यहाँ पे हैं। हमारी पुलिस की पूरी टीम है, DCP नॉर्थ है यहाँ पे, ACP नॉर्थ, OC गोला भाई और इसके अलावा सारे समाज से भी जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है। तो एक बहुत ही अच्छे अवसर पे आप लोगों के बीच आया हूँ और स्पेशली मैं देख पा रहा हूँ कि जो माताएं बहनें बैठी हैं, जनवरी का महीना आप लोग जानते हैं बंगाल में सबसे ज्यादा ठंडा महीना होता है। जनवरी बंगाल में इतना ठंडा नहीं पड़ती, लेकिन दिसंबर जनवरी और फरवरी के कुछ दिन ठंडक के होते हैं। तो इसमें अगर कुछ लोगों को शीत से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए कंबल बोलिए, शॉल बोलिए, इस तरह अगर व्यवस्था किया जाए तो ये बहुत ही एक सराहनीय काम है और इसके लिए मैं पूरा पुलिस टीम को और MLA साहब और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हम लोगों को ऐसा अवसर मिला कि आप लोगों की पूरी सेवा कर सकें। जनवरी का महीना बहुत पवित्र महीना भी है। क्यों पवित्र महीना है आप लोग जानते हैं, MLA साहब भी बोल रहे थे, मकर संक्रांति के अवसर पे गंगा सागर में 50 लाख से ज्यादा लोग इस बार जाकर के स्नान किए हैं और इससे ज्यादा कठिन तीर्थ कोई नहीं है। कारण है कि हम 3 साल करवाए हैं SST एडिशनल SST। जब ऐसा बोल रहे थे कि नदी को पार करके वेसल में एक आइलैंड के ऊपर जाना, फिर वहां पे बस में बैठ करके मंदिर में जाना, बीच में स्नान करना, दर्शन करना, तो हम लोग की जो सरकार है वो इतना मेहनत करती है इस काम के लिए, इतना रिसोर्स और इतना सुंदर अरेंजमेंट करती है कि तीर्थयात्री, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश बोलिए बिहार में भी हमको एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिलेगी और वो बहुत सेफली अपने परिवार के साथ में वापस जा करके मिलेंगे तीर्थ करने के बाद। तो पहले जो बोला जाता था कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, हम लोग गंगा सागर हर साल आते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ 25-30% लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक साल आते हैं। तो इतनी सुंदर व्यवस्था सरकार करती है, जो प्रसंग आया है मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पुलिस की तो व्यवस्था जो रहती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, PWD PHE एक बहुत ही सराहनीय व्यवस्था जिसमें किसी को कोई कष्ट ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग सुरक्षित वापस लौट के जाते हैं। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा यहाँ लोग जिला में जो हेलीपैड है, इस बार 74 में कम से कम 10-12 पेशेंट्स को वहां से एयरलिफ्ट करके, जिनको शरीर में थोड़ा सा ही तबियत खराब हुई उनको सीधे कोलकाता में ट्रीटमेंट किया जाएगा।